नशा था उतर गया, वादा था टूट गया, दिल था भर गया, अब क्या कहें आगे, बस इंसान ही बदल गया। ये सभी लाइनें हमने अनन्या के लिए बोली हैं। क्यों? अरे क्यों क्या, पता नहीं, हमारी स्टूडेंट ऑफ द ईयर अनन्या पांडे का दिल जो टूट गया है। जी हाँ, अनन्या पांडे आजकल फूट फूट कर आंसू बहा रही है, क्योंकि उनका आदित्य रॉय कपूर से ब्रेकअप हो गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो हमने नहीं बल्कि फैंस ने कयास लगाए हैं उनकी सोशल मीडिया पर लेटेस्ट पोस्ट को देखकर। अब ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अनन्या पांडे इन दिनों अपने से 13 साल बड़े लड़के को डेट कर रही हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि आदित्य रॉय कपूर है। दोनों को कई बार हॉलिडे पर जाते हुए एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया है, पार्टीज में भी साथ देखा गया है, यहाँ तक कि कई बार घूमते हुए भी स्पॉट हुए हैं दोनों। बल्कि अभी हाल ही में दोनों को एक साथ एक एड में भी देखा गया, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री को भी काफी पसंद किया गया। लेकिन आज सडनली अनन्या ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ब्रेकअप टाइप का कोई लेटर हाथ से लिखकर पोस्ट किया था। लेटर तो इमोशनल था और दर्द भरा भी। उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर वो आपका होगा तो जरूर वापस आएगा, ये सब आपको सिर्फ सबक सिखाने के लिए है, आप स्वीकार ना करते हुए उसे दूर भी कर दो, अगर वो आपका होगा तो लौट आएगा, भले ही आप ये मान ले कि ये असल में आपका है क्योंकि वो आपके लिए ही बना है, लेकिन ये कभी भी आपका हिस्सा नहीं है, ये कभी भी आपकी आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ था। अब इस लेटर में कहीं ना कहीं लिखा है कि ये लेटर ब्रेकअप से जुड़ा है, लेकिन ये सैड लेटर देखने के बाद फैंस ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद दोनों का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए अनन्या ने ऐसा लेटर पोस्ट किया है। अब सच्चाई क्या है वो या तो अनन्या बता सकती है या फिर आदित्य। हालांकि दोनों के रिश्ते कितनी गहराई में थे ये तो हमको और आपको पता ही है, क्योंकि ईशान खट्टर ने भी आदित्य रॉय कपूर की वजह से ही अनन्या से ब्रेकअप कर लिया था। जब अनन्या आदित्य से क्लोज होने लगी तो ईशान से उनका ब्रेकअप हो गया। एक तरफ अनन्या का दिल टूटा था तो दूसरी तरफ आदित्य ने उन्हें संभाल लिया था, तभी से दोनों की कूची कूच चल रही है। वैसे ये ईशान वाला वाक्या तो खुद अनन्या की माँ ने करण के शो में भी शेयर किया था। ऐसे में ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस इंसान के लिए उन्होंने ईशान को छोड़ा उसके साथ इतनी आसानी से ब्रेकअप कैसे हो सकता है भला। आपको बता दें कि अनन्या और आदित्य का रिश्ता 1.5 साल पुराना ही है, लेकिन इस 1.5 साल में ही अनन्या और आदित्य का रिश्ता परवान चढ़ चुका है। ऐसे में ब्रेकअप की खबरों पर विश्वास तो नहीं होता, पर इस लेटर ने अनन्या के फैंस का दिल जरूर तोड़ दिया है। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर इमोशनल लेटर ब्रेकअप नहीं होता, समझे? क्या पता अनन्या ने ये नोट किसी और वजह से लिखा हो और आप खामखा इसे ब्रेकअप का नाम दे रहे हैं भाई। सो चिल, ओके? जब तक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक डोंट बिलीव इन सच न्यूज, ठीक है छे? बाकी आपको कुछ और कहना हो तो हम हमेशा आपके लिए मौजूद हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टा पर DM भी कर सकते हैं, हम हर जगह अवेलेबल हैं। हमारे सारे IDs नीचे दिए हुए हैं, और हाँ, हमें क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।